हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग ही हमारा चल रहा है। और हमने लास्ट सेशन में बात की हुई थी इरिगेशंस रिक्वायरमेंट की, कि इरिगेशंस की वाटर रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। अब आज के लेक्चर में उसमें एक वर्ड था कंजम्पटिव यूज़। तो आज के लेक्चर में हम इस वर्ड को डिफाइन करने वाले हैं कि कंजम्पटिव यूज़ क्या होगा। इवेपोट्रांसपरेशन ही उसे ही बोलते हैं, और ये इवेपोट्रांसपरेशन होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। दूसरा, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इनको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंजम्पटिव यूज ऑफ प्लांट्स या इवेपोट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, या कुछ और वर्ड्स पूछ लिया जाता है जैसे एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है या पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है। अगर एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन एंड पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का कुछ रेशियोज हैं तो कब दोनों बराबर होंगे, इक्वल टू वन होगा, कब लेस देन वन होगा, ये सारी कंडीशंस वहां पर बात की जाती है। तो वहां पर हम इन सभी पैरामीटर्स को बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो यहां वर्ड लिखा है इवेपोट्रांसपिरेशंस या कंजम्पटिव यूज, तो इसको हम समझने वाली बात करते हैं। कंजम्पटिव यूज सिंपली है कि कितना वाटर कंज्यूम किया जा रहा है। कंजम्पटिव मतलब यूज करना, और यूज मतलब यूज है, कंजम्पटिव मतलब कंज्यूम किया जा रहा है। कंज्यूम कब किया जा रहा है? कंज्यूम किया जा रहा है प्लांट्स के द्वारा अपनी ग्रोथ के टाइम पीरियड में, प्लांट्स के द्वारा अपनी ग्रोथ के टाइम पीरियड में। और अगर हम संधि विच्छेद थोड़े से पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर इस इवेपोट्रांसपिरेशन को, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इसको इवेपोरेशन, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, प्लस ट्रांसपिरेशन, दो वर्ड से मिलकर बन रहा है एवेपोट्रांसपिरेशन। एक वर्ड होता है इवेपोरेशन और दूसरा वर्ड है हमारा क्या, ट्रांसपिरेशन। अब हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, सपोज यहां पर एक आपका ग्राउंड है और इस ग्राउंड में यहां पर आपका ये क्रॉप लगा हुआ है। ठीक है, ये क्रॉप लगा हुआ है, ये क्रॉप्स के लीव्स हैं। ये क्या है? आपके लीव्स हैं। अगर हम बात करते हैं ये लीव्स हैं, तो लीव्स में छोटे छोटे नीचे की साइड पे आपने देखा होगा, नहीं देख पाए होगे अगर माइक्रोस्कोप नहीं लगाया होगा, तो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। अब हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा की। तो जब यहां से प्लांट्स क्या करता है, जब वॉटर ले रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, तो कुछ वॉटर को वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना फूड मैन्युफैक्चर या फूड बनाने में काम करेगा, या अपने टिश्यूज को बिल्डअप करने में काम करेगा। और जितना भी एक्सेस वाटर वो ले लेगा, उस एक्सेस वाटर को स्टोमेटा के थ्रू निकाल देता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा का काम क्या कर रहा है? टू रिलीज एक्सेस वाटर। जो भी एक्सेस वाटर होगा, उस एक्सेस वाटर को क्या करेगा? रिलीज कर देगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। मतलब पौधे पहले तो सॉइल से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने भोजन बनाने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, अपने टिश्यूज को बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद जो भी एक्सेस वाटर है उसको लीव्स के थ्रू, अपनी लीव्स के थ्रू वो रिलीज कर दे रहे हैं, एक्सक्रीट कर दे रहे हैं। और जब हम रिलीज कर दे रहे हैं, एक्सक्रीट कर दे रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहता है? ट्रांसपिरेशन। तो सभी को ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन क्लियर हुई या नहीं? अब ट्रांसपिरेशन क्लियर हुई तो अब हम देखते हैं इसकी सराउंडिंग्स। अगर हम इसकी सराउंडिंग्स में देखें तो सराउंडिंग्स में भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, और अगर सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा तो यहां पर है सन। यहां पर क्या है? सन। ठीक है, SUN। अगर सन है तो सन की हीट के कारण यहां पर क्या होगा? यहां से पानी वेपर बन के उड़ेगा। तो हम बात करेंगे जो पानी वेपर बन के उड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशंस बोलते हैं। और अगर हम देखें तो इस प्लांट की सराउंडिंग से जितना भी पानी अबापोरेट हो रहा है और जितना पानी यूटिलाइज किया जा रहा है, उन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? कंजम्पटिव यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंजम्पटिव यूज। और दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इबापोट्रांसपिरेशन। उसको हम ईटी वर्ड से भी डिनोट करते हैं। किससे वर्ड डिनोट करते हैं? ईटी वर्ड से ही डिनोट करते हैं। तो अगर हम इबापोरेशन की बात करें तो इबापोरेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे।
इट इज डिफाइंड एज लॉस्ट ऑफ वॉटर, लॉट लॉस्ट ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू सराउंडिंग सॉइल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो सराउंडिंग सॉइल है उनके थ्रू जो भी पानी का एवापोरेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एवापोरेशन। अब देखो एवापोरेशन हाइड्रोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा तो एवापोरेशन कई तरीके से, चाहे वो वाटर बॉडीज से वेपर के फॉर्म में जा रहे हों, चाहे सॉइल से जा रहे हों, चाहे प्लांट्स की सराउंडिंग से जा रहे हों, उन सभी को क्या बोला है, एवापोरेशन। लेकिन यहां पर हमें जो एवापोरेशन काउंट करना है वो कौन सा करना है, सॉइल की सराउंडिंग, प्लांट्स की सराउंडिंग्स में जो सॉइल है उस सॉइल से जो वाटर एवापोरेट हो रहा है हमें उसी को ही यहां पर काउंट करना है, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन क्या करें, अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इट इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू प्लांट्स लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ड्यूरिंग बिल्डिंग ऑफ प्लांट्स टिश्यूज। वो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्रांसपिरेशंस, उसको क्या बोला जाएगा ट्रांसपिरेशंस। तो अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रोसेस जो होती है वो स्पेसिफाइड टाइम में होती हैं, इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब हम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्यों बोल रहे हैं, यहां पर भी हम लिखेंगे इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्यों बोला जा रहा है। देखो जब भी कोई क्रॉप्स लगाओगे उस क्रॉप्स का एक पर्टिकुलर बेस पीरियड या ग्रोथ पीरियड हमने पढ़ा हुआ है या नहीं। तो अगर हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए तो पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्या होगा, उसका बेस पीरियड या ग्रोथ पीरियड होने वाला है, बेस पीरियड या ग्रोथ पीरियड। इसलिए हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये सारे फिनोमेना कहां हमें काउंट करना, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। पता चला एक क्रॉप तो आप 120 डेज के लिए लगा रहे हो, क्रॉप लगा रहे हो आप 120 डेज के लिए, बट आप उसको ईयरली काउंट कर लोगे तो एक पर्टिकुलर क्रॉप का क्या कंजम्पटिव यूज निकाल पाओगे, पर्टिकुलर क्रॉप का नहीं निकाल पाओगे, हाँ उस एरिया का निकाल लोगे, और एरिया का कंजम्पटिव यूज चेंज भी हो सकता है, और एक क्रॉप के लिए डिफरेंट प्लेसेस पर भी कंजम्पटिव यूज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो मुझे बताइएगा कंजम्पटिव यूज या इवेपोट्रांसपिरेशन, ये वर्ड अभी क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं, तो नोट कर लिया हो तो हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं अब कि आगे हमें क्या देखना है। चलिए ठीक है, तो अब हम यहां पर लिखेंगे कंजम्पटिव यूज या फिर इवेपोट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, कंजम्पटिव यूज या फिर इवेपोट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन। तो अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखना चाहें, इवेपोट्रांसपिरेशन या हम और इसको क्या लिखते हैं, कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज को सीयू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीयू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवेपोट्रांसपिरेशन एंड कंजम्पटिव यूज इज defined as that equivalent depth of water which is lost through plants and its surrounding as evaporation
इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो अभी डेफिनेशन क्लियर है, तो हमने क्या लिखा, इवेपो ट्रांसपिरेशन या फिर कंजम्पटिव यूज इज डिफाइंड एज दैट इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर। इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर क्यों बोला है, क्योंकि हम जितना भी पानी प्रोवाइड कर रहे थे उसको डेल्टा यानी डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म में प्रोवाइड कर रहे थे। किसमें कर रहे थे, डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म में। इसलिए हमने जो भी लॉसेस होंगे उसको भी हम किसमें लिख रहे हैं, डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म में यहां पर मेजर कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू प्लांट्स एंड इट्स सराउंडिंग। प्लांट्स का मतलब क्या है, प्लांट्स की लीव्स से, थ्रू प्लांट्स एंड इट्स सराउंडिंग एज इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, क्योंकि हमें उस क्रॉप पीरियड या बेस पीरियड की बात करनी है। अब अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हम बात कर रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, कंजम्पटिव यूज इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन अपॉन टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड कितना है, बेस पीरियड ऑफ क्रॉप हो जाएगा। कितना है, बेस पीरियड ऑफ क्रॉप हो जाएगा। तो जनरली अगर हम इसका यूनिट देखते हैं, जनरली इसका यूनिट देखते हैं, तो इसका यूनिट जो होता है एमएम पर डे हो सकता है या फिर सेंटीमीटर पर डे हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली हम एमएम पर डे यहां पर यूज कर रहे होते हैं। इवेपोरेशन किसमें होता है, इक्विवेलेंट डेप्थ बोला है, इक्विवेलेंट डेप्थ, तो इवेपोरेशन किसमें होगा, एमएम में हो सकता है और सेंटीमीटर में हो सकता है, और किसमें हो सकता है, और सेंटीमीटर में। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपिरेशन किसमें हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ट्रांसपिरेशन किसमें हो सकता है, एक तो एमएम में हो सकता है और सेंटीमीटर में, और जो टाइम पीरियड है वो किसमें होगा, जनरली डेज में दिया जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए एक क्रॉप का बेस पीरियड 120 डेज है और उसके सराउंडिंग सॉइल से होने वाला एवेपोरेशन 10 mm है एंड जो ट्रांसपिरेशन लॉसेस है वो 5 mm है, तो बताइए कंजम्पटिव यूज कितना होगा। सिंपली फॉर्मूला लगा करके आप आंसर निकाल सकते हैं या नहीं, सिंपली फॉर्मूला लगा करके आप आंसर निकाल सकते हैं या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कंजम्पटिव यूज की बात करते हैं तो ये डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट एक सेम क्रॉप्स के लिए भी डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सॉइल कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एंड डिपेंडिंग अपॉन मेथड ऑफ इरिगेशंस। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे कंजम्पटिव यूज, नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, कंजम्पटिव यूज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स एंड कैन ऑल्सो बी डिफरेंट फॉर सेम क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन किस किस पर डिपेंड कर रहा है, हमने अभी अल बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन सॉइल कंडीशन, सॉइल की कंडीशन क्या है, किस तरीके की सॉइल है, दूसरा दूसरा क्लाइमेट कंडीशंस, तीसरा मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स और टेक्निक ऑफ इरिगेशन एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स हमने किस एरिया में लगाई हुई है। तो ये चार पॉइंट हैं, अगर हम बात करें सीयू जो सेम क्रॉप के लिए डिफरेंट बोल रहे हैं वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वो हमारा इन सभी बातों पे, और ईटीसी भी लिख लीजिएगा वहां पर भी उन सभी बातों पर भी डिपेंड करेगा। वैसे तो क्लाइमेट फैक्टर्स में काफी सारे, क्लाइमेट कंडीशंस में काफी सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, बट यहां पर आप अगर हम बात करते हैं तो आप उसको ईटीसी भी लिख सकते हैं और भी पैरामीटर यहां पर काउंट किए
किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर कंप्लीट इंट्रोडक्शन हुआ किसका, कंजम्पटिव यूज का। कंजम्पटिव यूज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन यहां पर हमने निकाल करके लाए हैं। तो मुझे बताइएगा अभी आप क्या कंजम्पटिव यूज निकाल लोगे। ई क्या है, इवापोरेशन। टी क्या है, ट्रांसपिरेशन। बी क्या है, बेस पीरियड। सी यू क्या है, कंजम्पटिव यूज या इवेपो ट्रांसपिरेशन। कंजम्पटिव यूज या फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन। आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हुई होंगी। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट। तो आपको फैक्टर्स पता है, सॉइल कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन है, लेकिन किस तरीके से। अगर मैं बोल रहा हूं विंड वेलोसिटी बढ़ा दी जाए, विंड एक पर्टिकुलर प्लेस पर विंड वेलोसिटी बढ़ा दी जाए, तो कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट ऑप्शन ए इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी रिमेन सेम, और ऑप्शन डी मैं नहीं खेल रहा। चलो ठीक है, कोई ऐसा भी है जो नहीं खेल रहा है वो बता सकता है कि ऐसे ऐसी चीजें नहीं खेल रहा है सर, जब तक आप बताओगे नहीं जब तक हम कैसे बताएंगे। तो थोड़ा सा सोचो ना यार, मैं क्या बोल रहा हूं, विंड वेलोसिटी बढ़ा दी गई है। तो अगला जो हमारा हेडिंग्स यहां पर हम लिखने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पटिव यूज। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पटिव यूज, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पटिव यूज और इवेपो ट्रांसपिरेशन नीड। पहला फैक्टर वेदर और क्लाइमेट कंडीशन, वेदर और क्लाइमेट कंडीशन। क्या बोल रहा है, वेदर कंडीशन या फिर क्लाइमेट कंडीशन। अब वेदर कंडीशन एंड क्लाइमेट कंडीशन की बात करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर आ जाएंगे। पहला पैरामीटर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब बताइएगा अगर एक एरिया है, जैसे बारिश का सीजन होता है, बारिश के सीजन में कपड़े देर से सूखते हैं या नहीं, आपने सुना होगा, देखा होगा, सुना क्या होगा, देखा होगा। अगर हम बात करते हैं तो बारिश के सीजन में क्यों देर से सूखते हैं, क्योंकि क्लाइमेट कैसा रहता है, ह्यूमिड। ऑलरेडी इतना मॉइस्चर भरा पड़ा है कि इस जो आपके कपड़े में पानी है उसका मॉइस्चर एनवायरमेंट में नहीं जा सकता है। तो अगर एनवायरमेंट में नहीं जाएगा तो क्या ट्रांसपिरेशन एंड एवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ट्रांसपिरेशन या एवेपोरेशन कम हो गया तो कंजम्पटिव यूज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा यानी। और अगर ये कम हुआ तो कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट भी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मुझे बताइएगा कि कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट कम हो गई है या नहीं। तो इस तरीके से पहला पैरामीटर आपका निकल के आता है ह्यूमिडिटी का, कि ह्यूमिडिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है। दूसरा पैरामीटर टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए गर्मी का सीजन आता है, आपको पानी क्या चाहिए होता है, ज्यादा, पीने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप्स में अगर मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के केस में इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इवेपोरेशन लॉसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और अगर इवेपोरेशन लॉसेस ज्यादा हुए तो कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी या नहीं, कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी या नहीं। तीसरा पैरामीटर अगर हम बात करें तो विंड स्पीड, वो भी किसमें काउंट हो जाएगा, वो भी आपका क्लाइमेटिक कंडीशन में काउंट हो जाएगा। अगर विंड स्पीड की बात करें, वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन में ये सारे हैं, ठीक है। अगर विंड स्पीड की बात करें तो विंड स्पीड मैंने क्या की, बढ़ा दी। विंड स्पीड क्या की, बढ़ा दी। अगर विंड स्पीड बढ़ा दिया तो आप समझना, मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, इसके ऊपर एवेपोरेशन होकर के वेपर्स यहां पर आ रही थी, अब विंड आई और इन वेपर्स को ले गई, विंड आई और इन वेपर्स को ले गई। अगर विंड आई और इन वेपर्स को ले गई तो यहां का जगह खाली हो गई इसके ऊपर की यानी, और अगर ये जगह खाली होती रही लगातार तो यहां से एवेपोरेशन लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इवेपोरेशन लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर इवेपोरेशन लॉसेस बढ़ गए तो कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। फिर से समझना, जैसे मान लीजिए नीचे एक पानी का कटोरा रखा हुआ है, ठीक है, अब इसके ऊपर आपने एक रख दी है, एक प्लेट रख दी है,
अब इस पानी को गर्म करना, पानी को गर्म करना, क्या पानी आसानी से निकल पाएगा? नहीं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इस प्लेट को खिसका दिया तो जो पानी वेपर बन रहा है वो आसानी से निकल जाएगा, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और पानी मिलाना पड़ेगा, और पानी मिलाना पड़ेगा। उसी तरीके से विंड स्पीड का काम है कि अगर ऊपर की वेपर्स को निकल जाने दिया तो स्पेस खाली हो गया और वेपर बन सकती हैं। तो अगर हम बात करें विंड स्पीड बढ़ेगी तो हम बात करेंगे इवेपोरेशन, इवेपोरेशंस की बात करें तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इवेपोरेशन बढ़ा तो कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो बताइएगा ए बी सी तीन पैरामीटर हमने किसमें काउंट कर लिए? वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा? कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। विंड स्पीड बढ़ने पर क्या होगा? कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो यहां से ऑब्जेक्टिव बन के आ गए, ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर हम बात कर लेते हैं, इरीगेशन पैरामीटर्स। दूसरा पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, इरीगेशन पैरामीटर्स। अगर हम बात करते हैं इरिगेशन पैरामीटर्स की, तो सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। अगर आप बात कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, तो आप एक ऐसी टेक्निक लेकर के आए हैं जहां पर इवेपोरेशन लॉसेस कम हो गए, जिसकी हम बात कर रहे थे ड्रिप इरिगेशन हो रहे थे, और इफिशियंसी काफी हाई मिल रही थी, यानी इफिशियंसी क्या मिल रही थी? काफी हाई मिल रही थी। तो अगर हम बात कर रहे हैं इरिगेशन में, अगर हम बात करें ऐसी टेक्निक्स लेकर के आएंगे इरिगेशन इफिशियंसी हाई है, देन कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट कम है। इफ एप्लीकेशन इफिशियंसी इज हायर, एप्लीकेशन इफिशियंसी इज हायर, देन कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो बेटर इरिगेशन टेक्निक्स टेंड्स टू लेस कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट, बेटर इरिगेशन टेक्निक्स टेंड्स टू लेस कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से आप यहां पर इरिगेशन टेक्निक्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्रॉप पीरियड की, ठीक है, हम बात करते हैं रेनफॉल, या फिर ऐसा लिख लीजिएगा रेनफॉल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड, तो इसी का हम बी पॉइंट लिख रहे हैं, इसी का बी पॉइंट, रेनफॉल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड, ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड, क्रॉप पीरियड के दौरान रेनफॉल हो रहा है। अब ये इरिगेशन पैरामीटर में काउंट क्यों कर रहा हूं? देखो यहां पर हम बात करें वेदर कंडीशन में काउंट क्यों नहीं किया रेनफॉल इरिगेशन पैरामीटर में, क्योंकि हम ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड लिख रहे हैं और एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कर रहे हैं, इसलिए इरिगेशन पैरामीटर में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेनफॉल ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर क्रॉप की बात करें, रेनफॉल अगर रेनफॉल ज्यादा हुआ, रेनफॉल ज्यादा हुआ तो हो सकता है पी इफेक्टिव ज्यादा मिले या नहीं। रेनफॉल ज्यादा, जैसे मान लीजिए आज बारिश हुई 10 सेंटीमीटर, कल बारिश हुई 12 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की अगर हम बारिश की बात करें तो रन ऑफ वहां पर 8 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर की बात किया रन ऑफ 8 सेंटीमीटर हो गया, तो कहां पर ज्यादा इफेक्टिव मिला? 4 सेंटीमीटर इफेक्टिव मिल गया या नहीं, और यहां पर 2। तो हम बात कर रहे हैं रेनफॉल अगर ज्यादा होता है तो रेनफॉल होने से पी इफेक्टिव ज्यादा, और अगर पी इफेक्टिव, अब देखो रेनफॉल कम भी हुआ तब भी पी इफेक्टिव ज्यादा मिल सकता है, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बूंदे गिर रही हैं, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, तो क्या पी इफेक्टिव ज्यादा मिलेगा? तो ऐसा मत लिखिएगा, सिंपली लिखिएगा अगर पी इफेक्टिव ज्यादा मिला, पी इफेक्टिव की बात की, पी इफेक्टिव ज्यादा हुआ, अगर पी इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो तुम मुझे बताओ सी आई आर कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट, कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी या नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? सी आई आर इज इक्वल टू सी यू माइनस पी इफेक्टिव था ये फॉर्मूला या नहीं। और अगर हम बात कर रहे हैं ये वाला टर्म्स हमने बढ़ा दिया है, ये वाला टर्म्स हमने बढ़ा दिया है, तो ये टोटल टर्म्स, ये टोटल टर्म्स जो हम बात कर रहे हैं सी आई आर, ये कम हो जाएगा या नहीं? और सी आई आर कम होने का मतलब है कि कंजम्पटिव यूज जो है वो कम हो गया है, वो कंजम्पटिव यूज भी क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो हम बोलेंगे कंजम्पटिव यूज क्या है हमारा? कम है, क्योंकि मोस्टली रिक्वायरमेंट किसने फुलफिल कर दी है?
इफेक्टिव रेनफॉल में, तो जो पानी देना है आपको इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में जो पानी देना है वो कम रिक्वायरमेंट वाला देना है। तो हम इस तरीके से भी इफेक्टिव रेनफॉल को रिक्वायर्ड कर सकते हैं कि अगर कंजम्पटिव यूज कम हुआ तो सीआईआरबी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पी इफेक्टिव बढ़ा और कंजम्पटिव यूज कम हुआ तभी सीआईआर कम हो पाएगा। लेकिन अगर कंजम्पटिव यूज बहुत ज्यादा है और पी इफेक्टिव भी बढ़ रहा है तब भी हम बोलेंगे सीआईआर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये पैरामीटर आपको क्लियर है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैरामीटर है लेकिन हमें यहां देखना है इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर हम सीआईआर कम बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट कम है। सपोज एक क्रॉप है उसके लिए कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट 10 सेंटीमीटर पर डे है, ठीक है, और एक क्रॉप है जिसके लिए 5 सेंटीमीटर पर डे है लेकिन इफेक्टिव रेनफॉल 2 सेंटीमीटर हुआ। सपोज एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है, मान लो एक क्रॉप है, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एक क्रॉप है उसके लिए जो कंजम्पटिव यूज है वो 10 सेंटीमीटर है, दूसरी क्रॉप है उसके लिए कंजम्पटिव यूज 8 सेंटीमीटर है, लेकिन पी इफेक्टिव की बात कर रहे हैं दोनों ही केस में 5 सेंटीमीटर है। पी इफेक्टिव दोनों ही केस में कितना है, 5 सेंटीमीटर। अगर पी इफेक्टिव दोनों ही केस में 5 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ सी आई आर यहां पर क्या होगा, सी यू माइनस पी इफेक्टिव कितना, 5 सेंटीमीटर, और यहां सी आई आर क्या होगा, यहां सी आई 8 - 5 कितना, 3 सेंटीमीटर। तो मुझे बता दो क्या मैंने जो ऊपर बात लिखी बिल्कुल सही लिखी, पी इफेक्टिव ज्यादा, चलो दोनों क्रॉप के लिए पी इफेक्टिव सेम ले लिया, ज्यादा मान लिया, अगर ज्यादा मान लिया तो सी आई आर तो हमने निकाला 5 सेंटीमीटर आया, कंजम्पटिव यूज 10 सेंटीमीटर था, सीआईआर 3 सेंटीमीटर आया, कंजम्पटिव यूज 8 सेंटीमीटर। तो देखो सीआईआर अगर कम है तो कंजम्पटिव यूज कम है या नहीं, सीआईआर कम है तो कंजम्पटिव यूज क्या है, कम है या नहीं। अब दूसरा एग्जांपल अगर लेना हो तो तुम एक काम करना, कंजम्पटिव यूज सेम लेना, कंजम्पटिव यूज क्या करना, सेम करना, और पी इफेक्टिव एक में कम एक में ज्यादा करना, तो तुम्हें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। चलो दूसरा केस भी बता देता हूं, केस 2, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, देखो इन दोनों एग्जाम्पल को साथ में लेकर के चलना और नीचे वाले दोनों एग्जाम्पल को साथ में लेकर के चलना, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कंजम्पटिव यूज 10 सेंटीमीटर, कंजम्पटिव यूज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पी इफेक्टिव की बात करते हैं यहां पर हम बोलते हैं 5 सेंटीमीटर और यहां पर पी इफेक्टिव कितना बोलता हूं मैं, 6 सेंटीमीटर। अब बताओ सी आई आर यहां पर कितना आया, 5 सेंटीमीटर, और सी आई आर यहां पर कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या सी आई आर और पी इफेक्टिव रिलेटेड हो गए, अगर हम बात कर रहे हैं पी इफेक्टिव ज्यादा है तो सी आई आर कम हो जाएगा, पी इफेक्टिव ज्यादा है तो सी आई आर कम हो जाएगा, लिखा है वही पॉइंट। तो देखो कोई दो पॉइंट को रिलेट करना है, तीनों को एक साथ रिलेट मत करना, तीनों को एक साथ, क्योंकि हमें कोई एक पैरामीटर फिक्स मानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहां पर अपना आंसर फिक्स कर पाएंगे। आई होप कि अब डाउट नहीं आएगा, अभी ये पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इस बात को समझना है, रेनफॉल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड। बहुत बढ़िया यार, बहुत उम्दा, चलो बहुत अच्छा समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो इरिगेशन पैरामीटर्स की यहां पर बात करते हैं तो इरिगेशन पैरामीटर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। तीसरा होता है सॉयल एंड टोपोग्राफी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सॉयल, तो कोई ऐसी सॉयल है जहां पर ड्रेनेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, सॉइल में ड्रेनेज बहुत जल्द, अगर ड्रेनेज बहुत जल्दी हो गया तो जल्दी से पानी जाके ग्राउंड वाटर टेबल में मिल गया, इवेपोरेशन क्या हो गया, कम, कंजम्पटिव यूज कम हो गया, लेकिन यील्ड भी तो उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी या नहीं। और अगर क्ले सॉइल है जिसने पानी को होल्ड करके रखा है तो हो सकता है कंजम्पटिव यूज ज्यादा हो और यील्ड भी क्या होगी, ज्यादा अफेक्टेड होगी। तो सॉइल और टोपोग्राफी को हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बट हाँ डिपेंड करता है। टोपोग्राफी का मतलब, अगर मान लीजिए कोई ऐसा रीजन है क्लाइमेटिक ज्योग्राफिकल कंडीशन में 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है, तो वहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां पर कंजम्पटिव यूज ज्यादा। इसके ऊपर अंटार्कटिका वाले रीजन में चले जाओ तो अगर हम बात करते हैं तो वहां पर टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग कंजम्पटिव यूज चेंज हो जाएगा, ज्यादा ठंडा मौसम होगा वहां पर कंजम्पटिव यूज कम होगा। तो सॉइल एंड टोपोग्राफी के पर भी ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की बात है, ठीक है। और ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड में टाइप ऑफ क्रॉप यहीं पर इंक्लूड हो जाएगा आपका।
टाइप ऑफ क्रॉप क्या होगा यहीं पर इंक्लूड हो जाता है। तो ये चीजें हमें यहां पर समझनी जरूरी है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमें यहां पर समझना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 7 फैक्टर हमने यहां पर डिस्कस किए हुए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ या नहीं। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, एक होता है एक्चुअल एवेपोट्रांसपिरेशन और दूसरा होता है पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन, जिसे हम बोलते हैं पीटी एंड एक्चुअल को बोलते हैं एईटी। ठीक है, इवेपोट्रांसपिरेशन ही है बट उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो हम बात करते हैं पीईटी पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। दूसरा एईटी एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ये वर्ड होते क्या है थोड़ा सा समझने की बात करना। ये वर्ड होते क्या है, पोटेंशियल का मतलब होता है अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कितना से कितना ज्यादा पानी खींच सकते हैं। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक टैंक है, इस टैंक में यहां पर पाइप लगा हुआ है नीचे। ठीक है, सपोज यहां पर एक टैंक है और इस टैंक में नीचे एक पाइप लगा हुआ है और ऊपर से क्या है इसमें पानी की सप्लाई कंटिन्यू की जा रही है। ठीक है, पानी की सप्लाई क्या की जा रही है, कंटिन्यू की जा रही है। जितना पानी यहां से इनपुट होगा उतना ही पानी यहां से निकल जाएगा। तो तुम मुझे बताओ ऐसे सोर्स के लिए क्या आप बोलोगे कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है या नहीं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि समुद्र, एक गिलास पानी भर लो, दो गिलास पानी भर लो, तीन गिलास पानी भर लो, कुछ पता चलेगा नहीं। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर उसको हम क्या बोल रहे हैं, अवेलेबल है। और इस अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर जब अवेलेबल है तो उस कंडीशन में जो जो इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब कितना भी अवेलेबल है उसको कम करने के लिए आपका जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है, पोटेंशियल। तो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ क्या हाइपोथेटिकल, एक संभावना हुई या नहीं, एक संभावना मान के चल सकते हो। तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ या नहीं, कैसा हुआ, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब यहां से पानी देते जा रहे हैं और यहां से पानी निकालते जा रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया है, ये हो गया है कंजम्पटिव यूज मान लो, और यहां से सोर्स ऑफ वाटर एड हो रहा है। तो अपनी जितनी क्षमता है इस नल को पूरा का पूरा, इस टैप को कंप्लीट ओपन कर दिया, और कंप्लीट ओपन कर दिया हमने कहा ये तो हमें नीचे लाना है, इस पानी का स्तर नीचे लाना है, लेकिन पानी का स्तर नीचे नहीं आया। तो ऐसे पूरा सामर्थ्य लगा दिया है पानी का स्तर नीचे लाने के लिए, पानी का लेवल नीचे लाने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ट्रांसपोरेशन इवेपो ट्रांसपोरेशन को क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो अगर हम बात करें हाँ तो इसको लिखिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन, अमाउंट ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन विच अकर्स व्हेन अनलिमिटेड लिख रहा हूं, ये वर्ड ध्यान रखना हमेशा, क्या लिखना है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वॉटर इज अवेलेबल। तो जब हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वॉटर अवेलेबल है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस कंडीशन में जो इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। अब समझना बात को, इट इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट,
हाइपो थ्योरिटिकल रेट ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज हाइपो थ्योरिटिकल रेट ऑफ इवेपोरेशन या हाइपोथेटिकल रेट ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो ये जो सेकेंड लाइन मैंने लिखी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हाइपोथ्योरिटिकल, मतलब अपनी संभावना से परे। क्योंकि अगर तुम मानो समुद्र से एक गिलास पानी निकाल रहे हो तो तुमने बोला कुछ भी पानी में अंतर नहीं आया, क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ? नहीं, एक्चुअल में तो कुछ ना कुछ अंतर आया हुआ है। तो हमने बोला कि अनलिमिटेड सोर्स है, हमने उसको सोर्स को क्या माना, अनलिमिटेड, बट कुछ तो चेंजेस आया हुआ है। ठीक है, इस जग में से पानी निकाल रहे हो, भले ऊपर से भरते जा रहे हो, यहां से निकाल रहे हो, यहां से ऊपर से देते जा रहे हो, अनलिमिटेड सोर्स है इसके पास, अनलिमिटेड अमाउंट मान के चल रहा है क्योंकि इसका लेवल नीचे नहीं है, बट एक्चुअल में कुछ ना कुछ अंतर हो रहा है या नहीं, हो रहा है या नहीं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। अब एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन मान लीजिए ये अनलिमिटेड सोर्स नहीं है, ये लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर है। अगर लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर है तो यहां से जब कुछ अमाउंट नीचे लाओगे तो ये पानी का लेवल नीचे आ जाएगा या नहीं। जैसे कि रिवर्स, रिवर्स में क्या होता है, गर्मियों के टाइम में आपने देखा है रिवर्स में पानी का लेवल नीचे चला जाता है, या बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं उनकी विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा टाइम जहां पर एक्चुअली इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो इवेपोरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन, दैट अमाउंट ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन विच अकर्स व्हेन व्हेन वाटर इज लिमिटेड, या लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, व्हेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन। और जो ये पानी का लेवल कम होगा, अगर ये पानी का लेवल कम होगा तो तुम मुझे बताओ क्या ये पानी का लेवल इस टैप के ओपन होने पर डिपेंड करता है? अगर थोड़ा सा टैप ओपन हुआ, थोड़ा सा टैप ओपन हुआ तो पानी बहुत देर में इतनी डिस्टेंस तक गिरेगा, टैप ज्यादा ओपन हुआ थोड़ा जल्दी, टैप कंप्लीटली ओपन हुआ बहुत जल्दी गिर करके नीचे वाले लेवल पे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल में तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि इवेपोरेशन हो रहा है या नहीं, बट एक्चुअल इवेपो ट्रांसपोरेशन जितने भी हमने फैक्टर पढ़े हैं वो किसके लिए काम आएंगे, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, मतलब क्लाइमेट कंडीशंस, सॉइल कंडीशंस एंड क्रॉप पर डिपेंड करता है हमारा क्या, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो कल जब हम बात कर रहे हैं कि कल हम जब बात करेंगे कि पीईटी एईटी क्या होता है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको या नहीं, ठीक है? तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं पीईटी क्या होता है, एईटी क्या होता है, इन दोनों को हमने क्लियर किया, तो इसको डेफिनेशंस वाइज लिख लें। तो इसको डेफिनेशन वाइज लिखिएगा, अमाउंट ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन विच अकर, अभी इसके क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे पूछते हैं, विच अकर्स व्हेन लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। तो यहां पर देखिएगा हमने क्या लिखा है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, लिमिटेड अमाउंट। तो क्या ये हाइपोथेटिकल हो सकता है? नहीं, ये तो एक्चुअली है, हमें दिख रहा है पानी का लेवल गिरता जा रहा है, पानी का लेवल क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, तो ये एक्चुअल होने वाला है, क्या है, एक्चुअल होने वाला है। तो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मान रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ, इस कंडीशन में अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है और उस कंडीशन में जो इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको हमने पोटेंशियल बोला, और जब लिमिटेड अवेलेबल है उस कंडीशन में जो हो रहा है उसको हमने क्या बोला, पीईटी बोला हुआ है। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन क्या होता है समझना, कुछ कंडीशंस यहां पर बढ़ा दिए थे। पहली कंडीशन, इफ सप्लाई सप्लाई ऑफ वाटर, या ऐसा लिख सकते हैं रेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर इज लेस देन पीईटी हो जाता है, ठीक है, हमने क्या बोला, लेस देन पीईटी हो जाएगा।
अगर सप्लाई रेट ऑफ वाटर पीईटी से कम हो गया, सप्लाई रेट ऑफ वाटर पीईटी से कम हो गया, मतलब समुद्र में जो तुमने जग बनाया हुआ था यहां पर जग सुना सुना नहीं, ये वाला जग जिसमें पानी भरा हुआ था, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये पानी का टैप था आपका और ये पानी भरा हुआ था। अगर जो सप्लाई ऑफ वाटर है, जो सप्लाई ऑफ वाटर है, वो सप्लाई ऑफ वाटर को आप धीमा कर दो और यहां से होने वाला कंजम्पटिव यूज सेम रखो। कब? जब अनलिमिटेड सोर्स अवेलेबल था उस कंडीशन में। तो बताओ क्या ये पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे आने लगेगा या नहीं? पानी का लेवल यहां पर क्या होगा? धीरे धीरे आएगा, बट बहुत धीरे धीरे। तो हम बात करेंगे एटी अपॉन पीईटी का रेशियो क्या हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या अब वो पीईटी रह गया? पीईटी कब बोले थे? जब हमारा पानी का लेवल सेम बना हुआ था। लेट से हम एच डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और एच डिस्टेंस जब हमारी सेम, एच हाइट हमारी सेम बनी हुई थी, हम उसको क्या बोल रहे थे? पीईटी बोल रहे थे, पीईटी बोल रहे थे। और अगर हमारी सप्लाई ऑफ वाटर मतलब ये जो सप्लाई है ऊपर, ये सप्लाई है, ये सप्लाई ऑफ वाटर पीईटी से कम कर दी जाएगी। पीईटी मतलब इसको सेम रखने से कम, तो ये पानी का लेवल नीचे आएगा। मतलब अब किसमें कन्वर्ट हो गया? वही पीईटी एईटी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब हमारा वाटर सिस्टम कैसा हो गया? लिमिटेड हो गया। अनलिमिटेड नहीं, अब कैसा हो गया? लिमिटेड, क्योंकि पानी का लेवल नीचे गिर रहा है। तो अब मुझे बताइएगा एईटी हो गया वो, और एईटी अपॉन पीईटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एईटी अपॉन पीईटी की वैल्यू हो जाएगी लेस देन वन। तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, यदि एक्चुअल एवापोट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन का रेशियो लेस देन वन है, या सॉरी या सप्लाई ऑफ वाटर पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सॉइल सूखना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? सॉइल स्टार्ट ड्राइंग, सॉइल सूखना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये रेशियो बहुत कम हो गया, मतलब पानी का लेवल यहां आ गया, बहुत कम हो गया, तो अब क्या होगा? एक कंडीशन आएगी जहां पर प्लांट्स बिल्डअप मतलब सूख जाएंगे। तो वो कंडीशंस होती है। इसलिए दूसरी कंडीशन फॉर क्ले सॉइल की अगर हम बात करते हैं, क्ले सॉइल क्यों यूज किया जाता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्ले सॉइल के लिए हमने माना है एईटी अपॉन पीईटी का जो रेशियो होगा वो इक्वल टू वन हो जाएगा। मतलब क्ले सॉइल के केस में एक्चुअल एवापोट्रांसपिरेशन किसके बराबर होने वाला है? पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि फॉर विच सॉइल एक्चुअल एवापोट्रांसपिरेशन रेट इज कंसीडर्ड सिमिलर टू पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन रेट, इज कंसीडर्ड सिमिलर टू पोटेंशियल। तो किसके लिए? वो केवल केवल और केवल क्ले सॉइल के लिए कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए, इफ वॉटर इन सॉइल रीचेस अप टू परमानेंट या अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट या अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। तो देखो इसको समझना, परमानेंट या अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तुमने कभी पेप्सी पी है? स्ट्रॉ डाला है। अगर स्ट्रॉ को तुम देखो कि जब तुम्हारा पेप्सी ऊपर रहती है तब तुम स्ट्रॉ से खींचते हो, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे गिरने लगता है, अब तुम्हें ज्यादा मेहनत लगती है उस स्ट्रॉ से पेप्सी को ऊपर की ओर खींचने में लगता है, और जब बिल्कुल नीचे पहुंच जाती है तब तुम्हें ज्यादा मेहनत लगती है उस पानी को निकालने में। उसी तरीके से सॉइल का जब हम बात करते हैं, अगर सॉइल में पानी एक पर्टिकुलर लेवल पे होगा, टॉप पर होगा, तो उसमें कम मेहनत लगेगी, और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा तो एक कंडीशन आएगी कि पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जो रूट्स होते हैं वो पानी को सॉइल में से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस पॉइंट को बोला जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है? अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग का मतलब ही होता है मर जाना। तो अगर इस पॉइंट तक पानी पहुंच गया तो हमारी क्रॉप्स क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म, टाटा, ठीक
ठीक है, तो वही फिनिश हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं, इफ वॉटर इन द सॉइल रीचेस अप टू द परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, तो अब मुझे बताओ क्या एक्चुअल एवेपो ट्रांसपरेशन हो पाएगा उस कंडीशन में? एक्चुअल एवेपो ट्रांसपरेशन हो पाएगा? एक्चुअल एवेपो ट्रांसपरेशन जीरो हो जाएगा, पानी का एक्सट्रैक्शन होगा ही नहीं। और पानी का एक्सट्रैक्शन नहीं होगा तो हम बात करेंगे ट्रांसपरेशन होगा ही नहीं, और ट्रांसपरेशन नहीं हुआ और तो एवेपोरेशन होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में एईटी की वैल्यू कितना लेंगे? जीरो ले लिया जाएगा, जीरो ले लिया जाएगा, ठीक है। और यदि मैं यहीं पे लिख दूं, इफ सप्लाई इज नॉट लिमिटेड, इफ सप्लाई इज नॉट लिमिटेड, अगर मैंने बोल दिया है सप्लाई लिमिटेड नहीं है, किसकी? वाटर की। अगर वाटर की सप्लाई लिमिटेड नहीं है मतलब क्या हो गई है? अनलिमिटेड है। और अगर हम अब बात करें, इफ सप्लाई इज नॉट लिमिटेड एंड सॉइल मॉइस्चर इज एट फील्ड कैपेसिटी, इज एट फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी मतलब तुम्हारी पेप्सी की बोतल फुल भरी हुई है, पेप्सी की बोतल फुल भरी हुई है। अगर पेप्सी की बोतल फुल भरी हुई है तो उस कंडीशन में तुम मुझे बताओ, अगर सप्लाई इज नॉट लिमिटेड, नॉट लिमिटेड का मतलब क्या हो गया? अनलिमिटेड हो गई। और अनलिमिटेड होने के केस में क्या एईटी की वैल्यू पीईटी के बराबर हो जाएगी या नहीं? एईटी की वैल्यू पीईटी, तो हम क्ले सॉइल को कैसा मानते हैं? कि हमेशा वाटर जो लेवल है वो फील्ड कैपेसिटी पे है, इसलिए हम क्ले सॉइल के लिए एईटी अपॉन पीईटी इज इक्वल टू 1 लेकर के चलते हैं। तो मुझे बताओ, पहली बात पीईटी क्लियर हुआ, पीईटी क्या होता है? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपरेशन। दूसरा पॉइंट कि जब अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपरेशन। दूसरा पॉइंट एईटी, अगर हम एईटी की बात करते हैं तो एक्चुअल इवेपो ट्रांसपरेशन जो सही में हो रहा है, जो क्या हो रहा है? सही में हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इनके रेशियो के बेसिस पे बात करें, किस तरीके से हमने यहां पर पढ़ा हुआ है, तो अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? कि एटी अपॉन पीटी का रेशियो जो डिफाइन होगा वो क्या होगा? एटी अपॉन पीटी का रेशियो डिफाइन होगा वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा, ऑप्शन बी, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ऑप्शन सी, कैन बी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या ऑप्शन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो मुझे बताओ, कहीं पर भी एईटी अपॉन पीईटी ग्रेटर देन 1 दिख रहा है? ग्रेटर देन 1 तो दिख ही नहीं रहा है। तो अगर ग्रेटर देन 1 नहीं दिख रहा है तो इसको तो कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो, बचा क्या? लेस देन। तो अगर हम लेस देन की बात करें तो ये जीरो भी हो सकता है एईटी, और जहां एईटी जीरो हुआ तो एईटी अपॉन पीईटी का रेशियो भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो लेस देन 1 हो सकता है, यहां पर भी लेस देन 1 दिख रहा है, और इक्वल टू 1 क्ले सॉइल के लिए हम मान करके चल रहे हैं जब सप्लाई लिमिटेड नहीं है। तो एईटी इज इक्वल टू, तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस थी एईटी और पीईटी के बारे में। अब यहां पर तो आपने कंजम्पटिव यूज की बात की है, कंजम्पटिव यूज में आपने एईटी भी पढ़ लिया है, कंजम्पटिव यूज में पीईटी भी पढ़ लिया है, लेकिन अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज, ठीक है। मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज, ठीक है, कंजम्पटिव यूज को डिटरमाइन करने के मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज, कंजम्पटिव यूज को डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं वो हम बात करते हैं, यहां पर कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो जनरली यहां पर दो तरीके के मेथड डिफाइन किए गए हैं, एक किया गया है डायरेक्ट मेथड और दूसरा किया गया है इनडायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड किया गया है, दूसरा क्या किया गया है? इनडायरेक्ट मेथड। अब देखिएगा, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं हम? एक्सपेरिमेंटल मेजर पे। तो अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड में तो हम बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट्स आर डन, डायरेक्ट मेजरमेंट्स आर डन,
यहां पर मेजरमेंट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही हम डिफाइन करेंगे कि हमारा कंजम्पटिव यूज क्या है एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या बात करते हैं, कुछ इंपेरिकल फॉर्मुलेस हमने रखे हुए हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला बेस्ड मेथड हैं ये। इंपेरिकल फॉर्मूला बेस्ड मेथड है मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं कुछ क्रॉप्स के लिए, उनके बेसिस पर कुछ हमने फॉर्मुलेस निकाल दिए हैं और उन्हीं फॉर्मुले को हम बार बार यूज करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड कहे जाएंगे। तो अब एक एक करके कई बार नाम पूछ लेता है कि कुछ नाम लिख देंगे ऑब्जेक्टिव में, बताइए निम्न में से डायरेक्ट मेथड कौन सा नहीं है या निम्न में से इनडायरेक्ट मेथड कौन सा नहीं है, तो आपको नाम तो उनके पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे फेमस मेथड जो है वो है टैंक लेसीमीटर मेथड, टैंक लेसीमीटर मेथड। तो ये सबसे फेमस मेथड है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टैंक लेसीमीटर मेथड किस लिए यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा टैंक लेसीमीटर मेथड यूज किया जाता है कंजप्टिव यूज निकालने के लिए। वहां पर एक और ऑप्शन रहता है इवेपोरेशन लॉसेस निकालने के लिए, नहीं इवेपोरेशन के लिए अलग से नहीं किया जाता है, हम यहीं पर ही इवेपोरेशन काउंट कर लेंगे, लेकिन टैंक लेसीमीटर किसके लिए, कंजम्पटिव यूज निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ऑलरेडी हमने बोला हुआ था कि ये मेथड किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट मेजरमेंट यानी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, तो उसका नाम ही है फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेथड, इनफ्लो आउटफ्लो मेथड। अब इनफ्लो आउटफ्लो मेथड में पता क्या होता है, हम टोटल वाटर कितना अप्लाइड किया, इनफ्लो कितना गया और टोटल वाटर का आउटपुट कितना मिला, तो जितना बीच में कंज्यूम हो गया वो हम बोलेंगे यूज हो गया है, क्रॉप के द्वारा यूज किया गया है। तो इनफ्लो आउटफ्लो मेथड में हम पहले टोटल इनपुट निकालेंगे, टोटल आउटपुट निकालेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा मेथड किस तरीके से होगा। ठीक है, डी मेथड की अगर हम बात करते हैं तो डी मेथड होगा हमारा सॉइल मॉइस्चर मेथड, सॉइल मॉइस्चर मेथड। सॉइल मॉइस्चर मेथड किस तरीके से करते हैं अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड एम्पेरिकल मेथड हैं, तो पहला है ब्लैनी क्रेडल इक्वेशन, ब्लैनी क्रेडल मेथड, या आप इसको बोल सकते हैं ब्लैनी क्रेडल इक्वेशन। ये मीन मंथली टेम्परेचर पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, मीन मंथली टेम्परेचर या डेली टेम्परेचर पे बेस्ड मेथड है। ठीक है, दूसरा हारग्रीव्स पैन एवेपोरेशन मेथड, पैन एवेपोरेशन मेथड। देखो हारग्रीव्स पैन एवेपोरेशन मेथड, ये मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ब्लैनी क्रेडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और टैंक लेसीमीटर इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा मेथड है, तीसरा हमारा मेथड है वो पेनमैन्स इक्वेशंस है, पेनमैन्स इक्वेशंस। ठीक है, अब पेनमैन इक्वेशंस की बात करें तो कई बार इसे मॉडर्न पेनमैन इक्वेशंस भी बोला जाता है, या एडवांस पेनमैन्स इक्वेशंस बोला जाता है, या कई बार पेनमैन्स मेथड भी बोल दिया जाता है। इसमें हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये बहुत डिटेल मेथड है, बहुत ज्यादा डिटेल मेथड है, इसमें हमें डायरेक्टली डिटेल में नहीं जाना है, बट इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेथड किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच, मास ट्रांसफर अप्रोच। किस पे बेस्ड है, ये दो चीजों पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेनमैन्स मेथड किस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, पहला एनर्जी बैलेंस और दूसरा किस पे है, मास ट्रांसफर अप्रोच, एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच पे बेस्ड है, तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब अगर आपको उसने लिख दिया निम्न में से कौन सा मेथड डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है, पहला टैंक लेसीमीटर, दूसरा इनफ्लो आउटफ्लो, तीसरा सॉइल मॉइस्चर, चौथा हारग्रीव्स पैन इवेपोरेशन मेथड, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि हारग्रीव्स पैन इवेपोरेशन मेथड आपका क्या नहीं है, डायरेक्ट मेथड की कैटेगरीज में नहीं आता है, तो नाम याद।
दूसरा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा है इंडिया में, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनडायरेक्ट मेथड। तो ध्यान रखना है, हारग्रीव्स पैन इवेपोरेशन मेथड सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है, सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है। उसका रीजन है कि बेलेनी क्रेडल में कुछ कॉफिशियंट होते हैं जो इंडिया में डिफाइन नहीं है, हर एक क्रॉप के लिए वो अलग अलग होते हैं, इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो पाए, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, हारग्रीव्स पेन एवेपोरेशन मेथड को जनरली यूज करते हैं। दूसरा, यहां पर इन तीन मेथड की बात मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल बेसिक मेथड है, इनको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। टैंकलेसीमीटर मेथड को, टैंकलेसीमीटर, ब्लैनी क्रेडल एंड हारग्रीव्स पेन एवेपोरेशन मेथड, इन तीनों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। पेनमैन्स इक्वेशन में जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहां पर लिख ली है, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों का मैं आपको यहां पर एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करते हैं समझना, फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, अगर फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसको देखो पहले स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। अब देखो फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करते हैं, ये जो फील्ड होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड। अब यहां पर मैंने बात की, ये नंबर वन कर दिया, ये नंबर टू कर दिया, ये नंबर थ्री कर दिया और ये नंबर फोर कर दिया। मैंने क्या किया, यहां पर कुछ क्रॉप्स लगाई, यहां पर कुछ क्रॉप्स लगाई, यहां पर कुछ क्रॉप्स लगाई, यहां पर कुछ क्रॉप्स लगाई। अब यहां फर्स्ट वाले के हम बात करते हैं, नीचे की साइड में हम बात करेंगे कंजम्पटिव यूज देखेंगे, और यहां पर क्या देखेंगे, यील्ड देखेंगे। यील्ड और कंजम्पटिव यूज के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वो कैसे ड्रॉ करते हैं, हम देखते हैं कितना पानी हमने दिया और कितना एक्सेस वाटर हमें यहां पर मिला, तो हम पानी और एक्सेस वाटर के बेसिस पे देखेंगे कि जितना वाटर हमने कंज्यूम कर लिया उसको एक पॉइंट बना दिया, उस पे यील्ड क्या हुई। तो यहां पर हमने रखा CU1, यहां पर हमने रखा CU2, यहां पर रखा CU3 और यहां पर रखा CU4। तो एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा इस तरीके से कुछ, जहां पर एक पर्टिकुलर कंजम्पटिव यूज के रिगार्डिंग, एक पर्टिकुलर कंजम्पटिव यूज के रिगार्डिंग हमें क्या मिलेगी, यील्ड क्या होगी, मैक्सिमम मिल जाती है। एक पर्टिकुलर कंजम्पटिव यूज के रिगार्डिंग हमें यील्ड क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम। तो जब भी हम इरिगेशन करेंगे तो जो पर्टिकुलर कंजम्पटिव यूज के रिगार्डिंग हमें यील्ड मैक्सिमम मिली, हम उसी के आसपास पानी का इनपुट देने की कोशिश करेंगे और उसी तरीके के सॉइल कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें यील्ड क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया कि टोटल इनफ्लो दिया, टोटल आउटफ्लो दिया, उसके बेसिस पर हमने क्या निकाला, उसके बेसिस पर हमने कंजम्पटिव यूज निकाल लिया कि ऑप्टिमम कंजम्पटिव यूज कितना हो सकता है। देखो कंजम्पटिव यूज CU1 यहां हो सकता है, CU2 यहां, CU3 यहां, CU4 यहां, लेकिन ऑप्टिमम यील्ड के लिए कंजम्पटिव यूज कितना हो सकता है वो हमें यहां पर चेक करना है, और वही क्रॉप का कंजम्पटिव यूज कहा जाएगा। तो फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड क्लियर है सभी को, फील्ड एक्सपेरिमेंट के बेसिस करेंगे, ठीक है। दूसरा, इनफ्लो आउटफ्लो मेथड क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपका सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में इनफ्लो कितना हुआ और इस सिस्टम से आउटफ्लो कितना हुआ, ठीक है, और इनफ्लो में कौन कौन होगा, हमारा इरिगेशन भी इंक्लूड होगा, इनफ्लो में कौन सा होगा, इनफ्लो में रेन भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो जितने भी तरीके से पानी इस एग्रीकल्चर लैंड पे जा सकता है, तो बड़े एरिया के लिए करते हैं हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। और आउटफ्लो में कौन सा काउंट हो सकता है, आउटफ्लो में जो रन ऑफ हो रहा है वो काउंट हो सकता है, डीप परकोलेशन हो रहा है वो काउंट हो सकता है, तो ये सारे लॉसेस आउटफ्लो में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। जनरली रन ऑफ को ही काउंट हम करते हैं। तो इनफ्लो हमने देखा कि इनफ्लो कितना है, इस फील्ड से आउटफ्लो कितना है, और उस इनफ्लो और आउटफ्लो का हमने अगर डिफरेंस निकाल दिया, इनफ्लो और आउटफ्लो का, तो वही हमारा क्या निकल के आएगा, कंजम्पटिव, मतलब जितना पानी यहां रुक गया है उतना ही हम बोल रहे हैं हमारा किसने यूज कर लिया है, वो पानी हमारा किसने यूज किया है, क्रॉप ने अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लिया है। तो ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेथड हो गई है। तो कभी अगर क्वेश्चन आए इनफ्लो आउटफ्लो का, तो टोटल इनपुट देखना, देखना इनपुट कितना है और टोटल आउटपुट देखना, उन दोनों का डिफरेंस लगा देना, कंजम्पटिव यूज निकल करके आ जाएगा। सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, ठीक है, तो अब सॉइल मॉइस्चर देखना, सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल। अब इस ग्राउंड लेवल पे हम देखेंगे, एक लेयर वन पे ले ली, एक लेयर टू पे ले ली, एक लेयर थ्री पे ले ली,
और नीचे जाते जाएंगे हमने यहां पर सॉइल सैंपल वन किया एस वन, सॉइल सैंपल एस टू काउंट किया और सॉइल सैंपल एस थ्री काउंट किया। तो हम डिफरेंट सॉइल सैंपल ले लेंगे डिफरेंट डेप्थ पर जाकर के और लेबोरेटरी में जाकर के इनका वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। और जहां जहां हम डेप्थ में जाते जाएंगे हमें पता चल जाएगा वाटर कंटेंट चेंज हो रहा। सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो हम बात कर रहे हैं जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे तो डेप्थ में जाने के साथ साथ सॉइल का मॉइस्चर चेंज होगा और जो मॉइस्चर चेंज होगा उसके बेसिस पर हम देखेंगे एवेपोरेशन अलग अलग होगा। टॉप सॉइल में जो मॉइस्चर होगा कम होगा क्योंकि एवेपोरेशन ज्यादा, फिर एवेपोरेशन कम, डेप्थ में जाते हैं एवेपोरेशन कम होता जाएगा। तो उसके बेसिस पर हम सॉइल मॉइस्चर मेथड अप्लाइड करते हैं, कुछ ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी डेप्थ तक यूनिफॉर्म तरीके का हमें मिल रहा है। लेकिन इसके लिए जो सॉइल होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं यहां कोई और सॉइल हो, यहां कोई और सॉइल, यहां कोई और सॉइल, क्योंकि कंजम्पटिव यूज क्या सॉइल पे भी डिपेंड करता है या नहीं। हमने बोला ना अभी कंजम्पटिव यूज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है, सॉइल भी है एक। तो सॉइल यूनिफॉर्म होना चाहिए तभी हम सॉइल मॉइस्चर मेथड को अप्लाइड कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड बस आपको समझना है ये क्या है। बेसिकली ये मेथड नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है जो हम यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। अब हमें तीन मेथड जो है वो डिटेल में डिस्कस करनी है। एक है टैंक लेसीमीटर, एक ब्लैनिंग क्रेडल और एक हार्ग्रीव पैन एवेपोरेशन मेथड। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे क्योंकि अभी अगर मैं लेक्चर में इंक्लूड किया तो थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूंगा। साथ ही साथ जो हम बात कर रहे थे इरिगेशन, हमारा इरिगेशन रिक्वायरमेंट का एक क्वेश्चन आपको करवाना है वो भी मैं करवा दूंगा, ब्लैनिंग क्रेडल का भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा और आगे फील्ड कैपेसिटी परमानेंट। अब तुम्हारा एक पॉइंट आ गया है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, अभी लिखा मैंने, तो अगले लेक्चर में मैं ये मेथड डिफाइन करूंगा। उसके बाद फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ओएमसी, ये क्या होते हैं, इन सभी को डिफाइन करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। और जैसा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि सेप्टेम्बर में, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सेप्टेम्बर में इस कोर्स को कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर नहीं हो पाता है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मैं देखूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी अपलोड किया जा सके। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पर लेक्चर्स आपको मिल सकें और सेप्टेम्बर में आप कंप्लीट करें। अदरवाइज जितना कंप्लीट हो जाएगा उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिएगा, तभी आपकी सक्सेस पक्का है। क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग और वहाँ पर अपने अपने चीज़ें शेयर कीजिएगा। साथ साथ फेसबुक पे भी आप सक्सेस प्राइड जो चैनल है फेसबुक पेज भी आप उसको कर सकते हैं, जहां से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ भी वहां पर और हमारी टीम के साथ भी। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद जो फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस एंड प्लीज लाइक द वीडियो अगर पसंद आ रहा हो और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर करना मत भूलो यार, काफ़ी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, करते रहिएगा, ठीक है। जैसे वैक्सीनेशन हुआ तो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही हैं तो उस कारण से अभी ज़्यादा रैपिड नहीं हो पा रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा ये सेशंस का टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दूं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।